नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं कावेंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में अपने 9 गेस्ट हाउस का नाम नदियों या हिंदू धार्मिक स्थलों के नाम पर रख दिया है। राज्य के संपदा विभाग के अनुसार दिल्ली में यूपी भवन को अब संगम कहा जाएगा, जबकि यूपी सदन को यूपी सदन त्रिवेणी के नाम से जाना जाएगा। वहीं महात्मा गांधी मार्ग पर लखनऊ स्थित वीवीआईपी गेस्ट हाउस को वीवीआईपी गेस्ट हाउस साकेत कहा जाएगा। इसके साथ ही डालीबाग में गेस्ट हाउस को वीआईपी गेस्ट हाउस यमुना के नाम से जाना जाएगा, जबकि विक्रमादित्य मार्ग और मीराबाई मार्ग पर स्थित गेस्ट हाउस को गोमती और सरयू कहा जाएगा, जबकि बटलर पैलेस कॉलोनी के गेस्ट हाउस को नैमिषारण्य कहा जाएगा। इसके साथ ही मुंबई में स्थित स्टेट गेस्ट हाउस अब यूपी स्टेट गेस्ट हाउस वृंदावन के नाम से जाना जाएगा, जबकि कोलकाता में गेस्ट हाउस को यूपी स्टेट गेस्ट हाउस गंगा के नाम से अब पुकारा जाएगा। वहीं प्रतापगढ़ में अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर लूट का मामला सामने आया है, जहां लुटेरों ने रिफाइंड तेल से भरी एक ट्रक को अपना शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक बिहार से रिफाइंड लेकर नागपुर जा रहा था। इसी दौरान अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने पहले ट्रक को ओवरटेक कर रोका और फिर असलहों के बल पर ट्रक चालक और खालसी को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। उन्हें गजहेड़ा जंगल के पास फेंक कर माल समेत ट्रक को लेकर फरार हो गए। बता दें, ट्रक में मौजूद रिफाइंड की कुल कीमत 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वही है गाड़ी लूट हुई। कितने की लूट हुई है यहाँ पे सर? लूट जो हुई 18-20 लाख रुपया। कहाँ से आप आ रहे थे? जर्मनी से। कहाँ जा रहे थे? नागपुर। ये कितने बजे की घटना है? 11:30-12 बजे। किस चीज से थे वो लोग? नहीं तो असलाह वगैरह भी लिए थे कि खाली हाथ थे? अब वो चढ़े हैं साहब, इतना तो हमने पकड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है आकर के असलाह था क्या था वो लगा दिया कान कन पट्टी के ऊपर। किस पर? वहीं मथुरा के वृंदावन में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब अलहपुर गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो सवार एक सवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो चालक समेत 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर शाम नेशनल हाईवे के उलहपुर कट पर छाता की ओर से जा रहे टेम्पो को सामने से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टेम्पो सवार एक सवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत अन्य 2 लोग घायल हो गए। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मथुरा की ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 1 व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चौमा में कितने लोग बताइए? हम भी ड्राइवर। तुम कौन है? हम भी ड्राइवर है। आप ये ड्राइवर? हम तो सवारी है। सवारी किससे हुआ है ये? हमने देखा ही नहीं। तो किस में सवार बैठे थे आप? टेम्पो में। टेम्पो में बैठे थे? अच्छा, कितने लोग बैठे थे उस टेम्पो में? 3 थे। 3 लोग बैठे थे। कौन कौन की चोट आई है? एक ये इधर, एक वहाँ टेम्पो के पास है। आपका नाम क्या है? बताया तो आपको, केसरी। केसरी NH2 पे लेहपुर के पास एक ग्लोबल स्कूल है, उसमें एक ट्रैक्टर और एक टैक्सी में भिड़ंत हुई है। टेम्पो से एक सवारी जा रही थी, वो मृत हो गई है। 2 घायल हैं जिन्हें अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया गया।
वहीं कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने वाला जीते जी मर जाता है। मुकदमा लड़ने और न्याय की उम्मीद में पीड़ितों के जूते घिस जाते हैं। कानूनी दावपेच, सच और झूठ की दलीलों में लोग सालों साल मुकदमा लड़ते रह जाते हैं। जहां कभी सच न्यायालय की सीढ़ियों पर दम तोड़ देता है, तो कभी झूठ बुलंदियों के साथ सच में बदल जाता है। एक ऐसा ही मुकदमा कानपुर देहात के माती कोर्ट में देखने को मिला है, जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया। जहां कोर्ट में चल रहे मुकदमे में तारीख के समय न्यायालय की जानकारी में मर चुके वादी ने खुद न्यायाधीश के सामने पहुंचकर अपने जिंदा होने की गवाही दी, जिसके बाद न्यायालय में बैठे और मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। कागजों की लिखा पढ़ी में जो शख्स मर चुका था, वह भला अपने मुकदमे में गवाही देने कैसे आ सकता है। बता दें, कानपुर देहात के नगर पंचायत अध्यक्ष रसूलाबाद के लेटर पैड पर रहीस अहमद बहुत पहले मर चुके थे, जिसका प्रमाण न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जा चुका था, लेकिन मर चुके रहीस अहमद ने कोर्ट पहुंचकर खुद अपने जिंदा होने का दावा किया और चल रहे अपने मुकदमे में बतौर गवाही भी दी है। तो कानपुर देहात का ये पूरा मामला है, जहां पर जो शख्स कागजों में मृतक बताया जा चुका था, उस शख्स ने खुद न्यायालय में पहुंचकर अपने जिंदा होने की गवाही दी और खुद अपने मुकदमे का पैरोकार बना है। देखिए, एक मामला चल रहा है धारा 363 आईपीसी का हमारे यहाँ, और उस मामले में रहीस खान नाम का एक व्यक्ति जो नेहरू नगर रसूलाबाद में रहता है, उसको तलब किया गया था बयान देने के लिए, और उसमें एक रिपोर्ट आ गई थाने से, कंसर्न पीएस से, जिसमें ये आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई है, और उसका मृत्यु की तहरीर लिख करके नगर पालिका रसूलाबाद के चेयरमैन ने दी थी। तो उसको देखा गया, हमारे एडीजीसी वहाँ पर प्रशांत मिश्रा जी हैं, उन्होंने देखा, और प्रथम दृष्टया वो डेथ रिपोर्ट प्रॉपर नहीं पाते हुए उसके परिवार के और लोगों को तलब किया गया, और वो जब आए तो उनके साथ रहीस खान भी आए, और उन्होंने बताया कि नहीं, हम तो हैं, तो उनको एग्ज़ामिन करा दिया गया है। न्यायालय में वो एज ए विटनेस एग्ज़ामिन हो गए हैं, और इस मामले में एक हेड कांस्टेबल जिसने रिपोर्ट दी थी थाने से, हरिओम, उनको SO रसूलाबाद को और नगर पालिका के चेयरमैन राम रानी, उनको नोटिस न्यायालय ने की है, और 20 अक्टूबर के लिए उनको तलब किया है इन पर्सन, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के बताएं क्या पूरा मामला है। नाम शौकत अली, हमारे बाप का नाम शौकत अली है, और हमारी बिटिया 2018 में चली गई थी, उसके खिलाफ ये हमें मानहानि का मुकदमा, और जो हमें मृत घोषित करा गया उसका मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। मृत किसने घोषित किया है? नगर अध्यक्ष के लेटर पैड पे। क्या नाम है नगर अध्यक्ष का? राज रानी। कब किया ये घोषित है? अब जो अमर जलम दिखाओ। मृत घोषित कब किया, किस लिए किया आखिर मृत घोषित? अभी तो ये तो वो जाने उनका काम जाने। मामला कानपुर देहात से है, जो कि चौंकाने वाली खबर सामने आती है। जैसे कि एक मुर्दा इंसान जो अभी तक कागजों में मृतक बताया जा चुका था, वो कैसे न्यायालय में खुद ही गवाही देने पहुंच जाता है। आपको बता दें कि पूरा मामला एक मुकदमे से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर न्यायालय में गवाही की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें खुद रहीस अहमद जो शख्स है, जिसको कागजों में दस्तावेजों में मृतक बताया जा चुका है, वो खुद गवाही देने पहुंच जाता है। ऐसे में कोर्ट में मौजूद तमाम लोग चौंक जाते हैं, उनके सामने आश्चर्यचकित की एक स्थिति खड़ी हो जाती है। ऐसे में वो खुद बताता है कि वो जिंदा है और उसको मृतक बताया गया है कागजों में, जबकि वो इस कोर्ट में खुद अपनी गवाही देना चाहता है। तो ऐसे में एक मृतक व्यक्ति ने खुद अपने जिंदा होने का सबूत दिया है। ये पूरा मामला जो है, आपको बता दूं कि कानपुर देहात का है, जहां पर ये पूरी घटना घटी, जिसको लेकर सब लोग हैरत में पड़ गए। तो ये पूरा हैरत अंगेज मामला है कानपुर देहात का, जहां पर एक मृतक युवक खुद अपना जिंदा होने का सबूत लेकर कोर्ट में पहुंच गया। माती कोर्ट का ये पूरा मामला है, जो कि कानपुर देहात के अंतर्गत आती है। ऐसे में माती कोर्ट में एक मुकदमेबाजी को लेकर जज भी मौजूद थे, वकील साहब भी मौजूद थे, और ऐसे में तमाम लोग भी मौजूद थे। तभी कोर्ट रूम में एक ऐसा शख्स पहुंचता है, जिसको कागजों में मृतक बताया जा चुका है, और वो खुद बताता है कि वो दरअसल मरा नहीं है, वो अभी भी जीवित है, और वो खुद अपने मुकदमे में गवाही देगा। तो ये पूरा मामला कानपुर देहात का है, जहां पर आपको बता दूं कि कानपुर देहात के नगर पंचायत अध्यक्ष रसूलाबाद के लेटर पैड पर ये साफ लिखा हुआ है कि रहीस अहमद बहुत पहले मर चुका है, जिसका प्रमाण न्यायालय के समक्ष दाखिल भी किया जा चुका है, लेकिन
हैरत की बात है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के कागजों में कुछ और है, लेकिन रहीस अहमद जिंदा है और वो खुद अपने जिंदा होने का सबूत लेकर अब कोर्ट में पहुंचा है। तो कोर्ट में मुकदमे में बतौर गवाही भी दी है इसने, रहीस अहमद इसका नाम है, कानपुर देहात का पूरा मामला है। ऐसे में अब जांच की जाएगी कि आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष के लेटर पैड पर यह किसने लिखवाया और कैसे लिखा गया कि रहीस अहमद की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि रहीस अहमद से ही संबंधित यह मुकदमा चल रहा था जिसमें रहीस अहमद की गवाही लगनी थी, लेकिन गवाही की जगह पर एक कागज लग जाता है और कागज में लिखा होता है कि रहीस अहमद तो पहले ही मर चुके हैं। यह जिला पंचायत अध्यक्ष का लेटर पैड था जिसमें यह सब कुछ लिखा हुआ था। हालांकि अभी आपको बता दें कि अब खुद मुर्दा इंसान ने जिंदा होने की गवाही दी है। उत्तर प्रदेश की लीला परंपार है, ये अलग ही मामला था जो कि कानपुर देहात से आया था, जहां पर मृतक व्यक्ति खुद कोर्ट पहुंच गया और उसने बताया कि वो जीवित है और खुद गवाही देगा। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर के शिवपुरा इलाके में रहस्यमयी बुखार ने कोहराम मचा रखा है, जहां इस रहस्यमयी बुखार से पिछले एक सप्ताह में 7 मासूमों सहित 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके चलते गांव में हर ओर मातम का माहौल है। पूरा मामला शिवपुरा इलाके के मोतीपुर गांव का है, जहां रहस्यमयी बुखार से पिछले एक सप्ताह में एक एक कर 9 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव का दौरा कर इस रहस्यमयी बुखार से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है और ग्रामीणों में दवाओं आदि का वितरण भी कर रही है, लेकिन मौतों का सिलसिला है कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है, सफाई न होने से बीमारियां लगातार पैर पसार रही हैं। वहीं रहस्यमयी बुखार से हो रही मौतों को देखते हुए जिला प्रशासन भी अब सक्रिय हो गया है। मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रभावित गांव पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए पीड़ितों को समुचित राहत पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। तो बलरामपुर से पूरी तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर रहस्यमयी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि 7 मासूमों सहित 9 लोगों की रहस्यमयी बुखार का उन पर कहर टूट पड़ा है। बलरामपुर से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर 7 मासूमों सहित अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन भी अब चौंकन्ना हो चुका है, एक्शन मोड में आ गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सीधे निर्देश दिए गए हैं कि इसको लेकर व्यापक जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांव में पहुंचकर हालात का जायजा लेते हुए पीड़ितों को समुचित राहत पहुंचाने का भरोसा दिला रही है लगातार। तो बलरामपुर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि रहस्यमयी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। 7 मासूमों सहित 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, गांव-गांव जाकर तमाम व्यवस्थाओं पर नजर बनाई जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमोद पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं बलरामपुर से। प्रमोद, ये क्या कुछ खबर है, जरा थोड़ा विस्तार से समझाइएगा जी। एक हफ्ते से करीब ये है ब्लॉक हरैया सतघरवा के मोतीपुर ग्राम सभा का, जहां करीब एक हफ्ते से 8-9 बच्चे मर चुके। जब कल इसकी सूचना सेमो के दिया गया, तब आज जाके वहां मतलब डॉक्टर लोग पहुंचे जी। नहीं तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ जांच तो की गई होगी, तो जांच में क्या निकल कर आया है, कौन सा बुखार है ये, किसकी वजह से मौतें हो रही हैं? ये बताया गया सेमो साहब से जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि ये वायरल बुखार है और ये साफ सफाई के यहाँ प्रदूषण पानी पी रहे हैं इसके वजह से है जी। तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसमें कौन जिम्मेदार है जी? इसमें तो साफ साफ पता है, क्योंकि एक हफ्ते से यहाँ बच्चे मर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग वहाँ देखने तक नहीं गया, जबकि यहाँ डॉक्टर का लापरवाही है। यहाँ डॉक्टर नियुक्त होते हुए भी इनको सूचना मिलता है, फिर भी नहीं जा रहे हैं जी। जिला प्रशासन ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई की अभी तक, क्योंकि बड़ा मामला है, 9 लोगों की आप मौत बता रहे हैं, तो जब 9 लोगों की मौत हो चुकी है, तो जिला प्रशासन ने अभी तक स्वास्थ्य विभाग पर क्या एक्शन लिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है, सेमो साहब से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर दो यहाँ टीम गठित किया गया है, इनका जांच होगा, जांच होने के बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होती है। अगर जब ये कब कार्रवाई होती है, ये तो खाली कागजों में सीमित कर रहेगा। ठीक है, और ये और बताइएगा जरा कि बलरामपुर से जो तस्वीरें आ रही हैं, 9 लोगों की जो मौत हुई है, एक ही सीमित गाँव का मामला है या फिर ये कई गाँव का मामला है? नहीं नहीं एक ही मोतीपुर का गांव का ही मामला है, जो कि 9 बच्चों का मौत हो गया 8 दिन में।
ठीक है, और बाकी गांव के आसपास के जो गांव हैं वहां पर स्थिति सामान्य है? जी अभी तो सामान्य है, लेकिन ये दूसरा गांव में आज एक बच्चा मर गया, वही पड़ोसी गांव है। अच्छा। वहां एक बच्चा वहां भी मर गया। ठीक है, यहां पर जैसे कि आप 9 लोगों की मौत बता रहे हैं, एक ही गांव से पूरा मामला आ रहा है, तो ऐसे में और भी लोग हैं जो अभी बुखार की चपेट में हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, संख्या कितनी होगी? अभी तो यहाँ अस्पताल यहाँ काफी दूर पे है और यहाँ प्राइवेट में लोग ज्यादा दिखा रहे हैं, और अस्पताल में कुछ बच्चे वहाँ पहुँच चुके हैं, और अब इस समय वहाँ डॉक्टर के नियुक्ति कर दिया गया है, उनको 108 में बताया आप जा रहा है कि 108 से जाइए, 102 से वहाँ अस्पताल जाइए और वहाँ इलाज चलेगा। हाँ, तो सरकारी अस्पताल में क्या हाल है, सरकारी अस्पताल में पहुँच रहे हैं लोग? जी अब तो अब कल से ये सिस्टम चालू हुआ है, क्योंकि जब यहाँ मीडिया जाके वहाँ से खबर चालू किया तब ये लोग वहाँ पहुँच कर मतलब देखभाल करने लगे। अच्छा ठीक है, अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई एक्शन लिया गया है, गांव-गांव जाकर जांच की जा रही है? अभी तो उसी गांव में जाकर मोतीपुर में जाकर आज सेमो साहब विधायक और डॉक्टर यहाँ स्थानीय डॉक्टर भी जाके मौके पर जांच किए हैं, केवल उसी गांव का, अभी तो आसपास गांव में नहीं गए हैं, लेकिन वो उस गांव में आज गए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, इस खबर पर लगातार नजर बना के रखिएगा आप, फिर आपसे जुड़ेंगे। तो ये पूरा मामला बलरामपुर का है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक गांव में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, और चौंकाने वाली बात यह कि इसमें से 7 जो है वो मासूम है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि ये वायरल बुखार है जिसके चलते मौतें हो रही हैं, लेकिन मामला गंभीर तब हो जाता है जब ये मामला सिर्फ एक गांव का है, एक गांव में लगातार जो वायरल बुखार है वो लगातार कहर बरपा रहा है, जिसके चलते अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बलरामपुर से तस्वीरें थी। वहीं देश भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जहां लोगों में पहले से ही आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं आगरा में भी पेट्रोल के दाम 100 के पार हो चुके हैं। ऐसे में विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, इसे मुद्दा बनाकर सरकार घेरने की कोशिश करती नजर आ रही है। इसी क्रम में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर गांधीगिरी का तरीका अपनाते हुए लोगों को गुलाब का फूल देकर पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। तस्वीरें आगरा से आ रही हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आंदोलन किया गया है। भाई गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख करमवीर सिंह, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि जब मैं सुरक्षा परिदृश्य को देखता हूँ जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से सचेत हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण समय पर कमान संभाली है। हमें राष्ट्र को बताना चाहिए कि बाहरी ताकतों को हमारे क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि कोयले की कमी और उच्च आर्द्रता के स्तर के कारण बढ़ती बिजली की मांग के मद्देनजर बिजली संकट मंडरा रहा है। राज्य के ऊर्जा विभाग के अनुसार देश भर में 16 बिजली परियोजनाओं में से केवल 8 ऐसी हैं जिनके पास 6 दिनों के लिए कोयले का भंडार है, जबकि 109 गैर पिथेड परियोजनाओं में से 25 ने 1 सप्ताह के लिए स्टॉक रखे हैं। त्योहारी सीजन के चलते बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। 65 परियोजनाओं के पास केवल 4 दिनों के लिए कोयला भंडार बचा है। उत्तर प्रदेश के मामले में संकट का सामना कर रहे बिजली परियोजनाओं में अनपरा 2630 मेगावाट, ओबरा 1000 मेगावाट, परीचा 920 मेगावाट और हरदुआगंज 610 मेगावाट शामिल है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि राज्य में भी कोयले की कमी से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन कंपनी के अधिकारी स्थित में सुधार के लिए कोयला मंत्रालय के संपर्क में है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शेड्यूल के अनुसार ग्रिड में बिजली देने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कोयले की कमी के कारण कुछ केंद्रीय और निजी परियोजनाएं कम लोड पर चल रही थी। कहा जा रहा है कि यह कमी अत्यधिक वर्षा के कारण हुई है, जिससे कई खदानें पानी से भर गई हैं।
लखीमपुर खीरी जिले में बीते दिनों तिकोनिया हिंसा के दौरान चार किसानों की मौत पर लगातार सियासत देखी जा रही है, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते बृहस्पतिवार को बीएसपी सांसद सतीश चंद्र का काफिला भी पलिया होते हुए चौखड़ा फार्म पहुंचा, जहां पर उन्होंने मृतक लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने निघासन पहुंचकर मृतक पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से भी मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने हर कदम पर साथ रहने व हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि किसानों के साथ साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसकी कड़ी सजा उसे मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो गृह राज्य मंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। तो लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां पर सतीश चंद्र मिश्र बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता पहुंचे और उन्होंने वहां पर मृतक लवप्रीत सिंह, इसके साथ ही मृतक रमन कश्यप के परिजनों से मुलाकात की और कहा है कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के और शासन प्रशासन की तरफ से जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, उनको अपनी गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए और उनको सोचना चाहिए, कहने के पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए कि आप इतने ऐसे मामले में इस तरह की बात करते हैं जहां पर कि कोई न्याय की बात करने अगर आ रहा है। उन्होंने तो किसी को यहां आने ही नहीं दिया, हमको तो 3 दिन नज़रबंद रखा, हमको तो आज परमिशन मिली यहाँ आने के लिए, हम तो उसी दिन रात में आ रहे थे। तो जब आप किसी को पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, कोई अपने आँख से देख ना सके, अब समझ ना सके, तो ये तो छिपाने का काम हो रहा है। और वहाँ पर अभी हम लोग परिवार से मिल करके आ रहे हैं, प्रापीत करके बच्चा है उसके, वहाँ पर उसके जिस दोस्त के साथ में था उसकी तो डेथ हो गई, जिस परिवार में डेथ हुई है उस वो वहाँ पर कुर्सी में पड़ा हुआ है। आप लोग जा करके उससे मिलिए, तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई 2 जगह और उसके एक और फ्रैक्चर हो गया, कुर्सी में पड़ा हुआ है, उसको पूछने वाला नहीं है, और वो घायल व्यवस्था में पड़ा हुआ आज भी अभी भी, और उसको ना इलाज हो रहा है, ना उसको ले जाने का काम हो रहा है, ना उसके इलाज करने का काम हो रहा है। तो ये तो ये सवाल पूछिए ना ऐसे लोगों से जो आपसे ये बात कर रहे हैं। वही लखीमपुर हिंसा मामले में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड के कारण कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की त्वरित वापसी होगी, वो गलतफहमी में है। प्रशांत किशोर के मुताबिक दुर्भाग्य से कांग्रेस की गहरी समस्या का कोई तात्कालिक समाधान नहीं है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का नाम लेने की बजाय उसे जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी अटकलें थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में प्रशांत का यह बयान बेहद अहम हो जाता है। 2014 में बीजेपी का चुनाव प्रचार का काम देखने के बाद राष्ट्रीय क्षितिज पर जब से प्रशांत चमके हैं, तब से लगातार उनका प्रभाव बढ़ता ही गया है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि कई राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को अपने साथ लाने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ काम किया था और उसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए और पार्टी के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के साथ काम किया था। उन्होंने पंजाब में भी कांग्रेस की सहायता की, वह मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सलाहकार थे। इसके अलावा वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एम के स्टालिन और आंध्र प्रदेश में जगमोहन रेड्डी के साथ काम कर चुके हैं। आगरा के साना सदर की डिफेंस कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक मकान पर धावा बोल दिया, जहां आज एक मकान का गृह प्रवेश होना था और कल ही मकान में सारा सामान शिफ्ट कर दिया गया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने ज्वेलरी भी नए मकान में रख दी थी, जहां बीती रात को उनके मकान में चोरी हो गई। जानकारी के मुताबिक चोर करीब 4 लाख के आसपास का सामान लेकर चंपत हो गए। मामले में पुलिस पूरी घटना को संदिग्ध मान रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।